और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। खबर कोटद्वार से है, नदी में स्नान कर रहे युवकों को हाथी ने दौड़ा दिया। सिद्धबली मंदिर के पीछे खोह नदी में स्नान कर रहे थे युवक और ऐसे में उग्र हाथी को देखकर युवक मौके से भाग निकले। पत्थरों पर चढ़कर युवकों ने अपनी जान बचाई है। जंगल के हाथी पानी पीने के लिए नदी में आते हैं और इस बात को पर्यटक भी जानते हैं। ऐसे में फिर भी वहां पर स्नान करने गए थे और इस मामले पर डीएफओ दिनकर सिंह तिवारी ने बताया कि ऐसे सेंसिटिव इलाके पर गश्त बढ़ाई जाएगी और जो पर्यटक ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पर्यटक वहां पर जो स्नान करने पहुंचे थे उग्र हाथी को देखकर वहां से 9-2-11 हो चले भाग चले हैं। और आप देखिए किस तरीके से उग्र हाथी उनकी तरफ बढ़ चला था, भाग कर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पर्यटक वहां से भाग निकले हैं उसने भी अपना रास्ता बदल लिया। तो यहाँ पर हाथी पानी पीने के लिए आते हैं, सेंसिटिव जोन माना जाता है, लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच गए, अपनी जान को हथेली पे ली। आप देखिए किस तरीके से ये उग्र हाथी वहां पर उस पर्यटक के पीछे दौड़ पड़ा था, लेकिन जब पर्यटक वहां से भाग निकला उसके बाद हाथी ने भी अपनी रफ्तार धीमी कर ली। हालांकि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। डीएफओ दिनकर सिंह तिवारी ने बताया कि ऐसे सेंसिटिव इलाके पर गश्त बढ़ाई जाएगी और जो भी पर्यटक ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं उस पर भी अब अंकुश लगाया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। तो नदी में स्नान करने के लिए युवक पहुंच गए थे, हाथी को देखकर वहां से दौड़ उठे हैं। उग्र हाथी ने यहाँ पर जो कि पानी पीने के लिए आया था पर्यटकों को वहां से दौड़ा दिया है। और आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। और इस बात को वैसे तो पर्यटक खुद भी जानते हैं कि वहां पर स्नान करने पर इस तरह की व्याख्या सामने आ सकती है। उत्तरकाशी के पुरोला में आज बुलाई गई महापंचायत को हिंदू संगठनों ने रद्द कर दिया, लेकिन महापंचायत में शामिल संगठनों का कहना है कि धारा 144 लगाए जाने के विरोध में आज दुकानें बंद हैं। महापंचायत बुलाने वाले संगठनों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, पुरोला व्यापार संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है। तो आज जो महापंचायत हिंदू संगठनों द्वारा होनी थी फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि उसकी परमिशन नहीं मिल पाई और उसी को देखते हुए यहां पर धारा 144 जो कि लागू की गई थी उसके विरोध में पुरोला में बाजार भी बंद किए गए। आप देखिए किस तरीके से सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है, सभी दुकानें बंद हैं। पुरोला कस्बे में यह महापंचायत बुलाई जानी थी लेकिन अब वहां पर इस महापंचायत को रद्द कर दिया गया है और आगे अभी अनिश्चितकालीन समय के लिए यहाँ पर इस महापंचायत को रद्द कर दिया गया। महापंचायत बुलाने वाले संगठनों में आपको बताएं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद और साथ ही तमाम हिंदू संगठनों की महापंचायत रद्द हो गई लेकिन आज पुरोला में बाजार बंद है। बाजार बंद की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पुरोला से ये तस्वीरें आई हैं। धारा 144 के विरोध में बाजार को बंद रखा गया, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुरोला की तस्वीरें हैं, किस तरीके से सन्नाटा वहां पर पसरा है, दुकानें वहां पर बंद की गई हैं। धारा 144 के विरोध में बाजार को यहां पर बंद रखा गया है। हिंदू संगठन लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर नाराज हैं और ऐसे में सरकार से एक्शन की मांग कर रही हैं और उसी को लेकर आज महापंचायत होने वाली थी लेकिन धारा 144 के बाद हिंदू संगठनों ने बाजार को बंद कर दिया है। बड़कोट में भी महापंचायत को देखते हुए यमुना घाटी के मुख्य इकाई बंद का ऐलान किया गया। उत्तरकाशी में महापंचायत को जरूर स्थगित कर दिया गया है लेकिन तनातनी का माहौल पुरोला में देखने को मिल रहा है। भारी पुलिस बल तैनात यहां पर किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवान हो, फॉरेस्ट के जवान हो, और आप देख पा रहे हैं कि आज महापंचायत का ऐलान कई हिंदू संगठनों के माध्यम से किया गया था लेकिन देर रात बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद की तरफ से जो महापंचायत का ऐलान था उसको कहीं ना कहीं स्थगित कर लिया गया है। लेकिन एक तरफ अगर बात करें तो व्यापार मंडल के लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को जरूर मिल रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी महापंचायत बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरी ओर देखें तो आज ये पुरोला का मुख्य बाजार है जो आज
बंद रहेगा। इसके साथ ही नौगांव या फिर आसपास के जो बाज़ार है वो भी बंद रखने की यहाँ पर व्यापार मंडल की तरफ से आगाज किया गया है, लेकिन पूरे संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 19 जून तक लागू कर दी गई है। व्यापार मंडल और तमाम विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये कहा गया है कि महापंचायत केवल स्थगित की गई है, आने वाले दिनों में महापंचायत कभी भी बुलाई जा सकती है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से तमाम पुलिस बल को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जो भी 144 की धारा का उल्लंघन करता पाया जाएगा उस पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, पुरोला। और आखिर हिंदू संगठनों की मांग क्या कुछ है और पुरोला महापंचायत क्यों बुलाई गई, ये भी आपको बता देते हैं। लव जिहाद मामले के बाद हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई। उत्तराखंड में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। हिमाचल की तरह ही भू कानून बनाने की मांग की गई। लव और लैंड जिहाद रोकने के लिए कानून बनाया गया। गैर हिंदुओं को चारधाम यात्रा से दूर रखा जाए, ये तमाम मांगे। वक्फ बोर्ड खत्म हो या फिर सनातन बोर्ड बने, तो ये तमाम मांगे थे। पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए, ये तमाम मुद्दे, ये तमाम मांगे यहाँ पर रखी गई और उसी को लेकर यहाँ पर ये महापंचायत होने वाली थी, पुरोला में महापंचायत होने वाली थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि विवाद अभी नहीं थमा है, क्योंकि देहरादून में होने वाली मुस्लिम समुदाय की महापंचायत अभी रद्द नहीं हुई है। पुरोला में होने वाली हिंदू महापंचायत पर हालांकि रोक लग गई है, देहरादून में मुस्लिम संगठन की महापंचायत पर अभी भी रोक नहीं है। और आपको बताएं कि मुस्लिम संगठन 18 जून को देहरादून में महापंचायत कर सकती है। माहौल शांत रखने के लिए उत्तरकाशी में धारा 144 भी लगाई गई है। अभी देहरादून में होने वाली मुस्लिम पंचायत पर रोक नहीं लगी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर पुरोला में हिंदू महापंचायत हुई तो 18 जून को देहरादून में भी महापंचायत होगी। लेकिन अब सवाल ये कि क्या हिंदू महापंचायत रद्द होने के बाद मुस्लिम संगठन भी अपनी महापंचायत को रद्द करेगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर। और चलिए हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से विनोद हमारे साथ जुड़े हैं, देहरादून से रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों से जानकारी लेंगे। पहले उत्तरकाशी का रुख करते हैं। विनोद, क्या हालात वहां पर बने हैं? दुकानें वहां पर बंद हैं, अनिश्चितकालीन तौर पर यहां पर अभी इस महापंचायत को रद्द किया गया है, क्या आगे संभावना है महापंचायत होने की? बिल्कुल, देखिए देर रात तमाम हिंदू संगठनों के माध्यम से ये मीडिया के सामने बयान दिया गया था कि आखिरकार जो महापंचायत आज के दिन तय की गई थी उसको कहीं ना कहीं स्थगित करने का काम विभिन्न जो संगठन है, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद हो, तमाम संगठनों ने आज की जो महापंचायत थी उसको स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये स्थगित की गई है, कैंसिल नहीं की गई है। पूरे संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे संपूर्ण क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात चप्पे चप्पे पर किया गया है। यानी महापंचायत तो स्थगित हुई है, लेकिन तनातनी का माहौल यहाँ देखने को जरूर मिल रहा है। और मैं सबसे पहले टॉप एंगल से पुरोला क्षेत्र की तस्वीरें कहूँगा, कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस हमारे दर्शकों को दिखाए। आप देख पा रहे हैं कि ये पुरोला क्षेत्र है, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो मार्केट है वो बंद है और पूरे संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। यानी धारा 144 का जो भी उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए हैं। और आपको बताएं कि जिस तरीके से नाबालिग लड़की को भगाने के बाद में इस पूरे मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब पूरी आसपास और पूरे क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है, 144 धारा लागू की गई है, तो तनातनी का माहौल या फिर ये कहें कि सामान्य स्थिति अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि व्यापार मंडल के लोगों के माध्यम से ये जरूर कहा जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी महापंचायत और इतनी संख्या में पुलिस बल तैनात करना उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। आप देख पा रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में पुलिस फोर्स चप्पे चप्पर पर मौजूद है। प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में आज का दिन बीतेगा, क्योंकि कुछ संगठनों का ये डिमांड थी कि वो आज के दिन महापंचायत करेंगे, लेकिन देर रात वो मीडिया के सामने आए। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि थे, बजरंग दल के थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन परिषद के लोग मौजूद थे, लेकिन साफ तौर पर अभी पंचायत को स्थगित किया है, वो कैंसिल नहीं किया गया है। तो आने वाले दिनों में कब दोबारा ये पंचायत होगी उसके बारे में भी जरूर नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम बिल्कुल
पूरा ये मुख्य बाजार बिल्कुल बंद है। इसके अलावा बड़कोट हो, नोगांव हो, उसमें तमाम दुकानें बंद है, जो प्रतिष्ठान है वो बंद है और साथ ही साथ जो इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं हैं वो तक बंद कर दी गई है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। एहतियातन के तौर पर करीब 250 से 300 ज़्यादा ऐसे पुलिस के जवान यहाँ डिप्ट्यूट किए गए हैं ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि तीनों संगठनों के माध्यम से जो हड़ताल थी, माफ कीजिए, महापंचायत थी, उसको वापस तो जरूर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अंदेशा और ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोगों के माध्यम से दूर दराजों में जाके या पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर कुछ ऐसे इनपुट्स इंटेलिजेंस के पास है कि वो अपनी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी वो भी बंद कर रखी है। रवि का रुख करते हैं। रवि, बड़ा सवाल ये कि अब हिंदू महापंचायत रद्द हो गई है, तो क्या ऐसे में मुस्लिम संगठन भी अपनी महापंचायत को रद्द करेगा, क्योंकि उन्होंने ये बात पहले भी कही थी कि अगर हिंदू महापंचायत नहीं होती तो हम भी अपनी महापंचायत को रद्द कर देंगे। देखिए, 18 तारीख को मुस्लिम समुदाय ने महापंचायत का ऐलान देहरादून के पुराने बस अड्डे पर किया है, लेकिन जिस तरीके से आज पुरोला में जो महापंचायत होनी थी उस महापंचायत को फिलहाल स्थगित किया गया है, तो इसके बाद अब मुस्लिम संगठनों का क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात है। उनकी ओर से आज क्या कहा जाता है, क्या वो अपनी महापंचायत को करेंगे जिस तरीके का ऐलान था, या फिर वो भी इस महापंचायत को देखते हुए उसको स्थगित कर देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम संगठन इस पर सोच रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सबकी निगाहें आज 15 तारीख को जो पुरोला में महापंचायत होनी थी उस पर टिकी हुई थी। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि 18 तारीख को देहरादून में होने वाली मुस्लिम संगठनों की महापंचायत को भी मुस्लिम संगठन अपनी ओर से स्थगित कर दें। लेकिन प्रदेश में पूरी तरीके से तनाव का माहौल है। किसी महापंचायत के स्थगित होने से पुलिस और प्रशासन की चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके के तनावपूर्ण माहौल है उसको कैसे ठीक करेंगे ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हमने देखा है कि इस तरीके के समुदाय विशेष से जुड़े हुए तमाम मामले उत्तराखंड में आए हैं और जिसके बाद जो हिंदू संगठन है उनमें उबाल है। और ऐसे ही देखा गया कि पहाड़ पर भी, हम पूरे उत्तरकाशी की बात करें, बड़कोट पुरोला की बात करें, तो वहां पर इस तरीके के जब मामले सामने आए तो महापंचायत का ऐलान कर दिया गया और कल भी पूरी तरीके से पुलिस की कोशिश रही कि किसी भी तरीके से महापंचायत को ना करने दिया जाए। आखिरकार पुलिस की सफलता है, तनाव का माहौल तो है ही, साथ ही दुकानें भी बंद है, लोगों को भी खासा परेशानियां हो रही है। अब देखना होगा कि ये जो महापंचायत स्थगित की गई है अब आगे इस पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और आज कैची धाम आश्रम का 59वां स्थापना दिवस है। बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। बाबा नीम करौली के प्रसिद्ध कैची धाम की लोगों में बहुत मान्यता है। ऐसे में 15 जून को ही बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया था। कैची धाम आश्रम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 15 जून को अलग अलग वर्षों में की गई। इस तरह से 15 जून को हर साल प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। और अल्मोड़ा राजमार्ग पर उत्तर वाहिनी नदी के तट पर स्थित है पवित्र तीर्थ स्थल कैची धाम। आपको बताएं, रहस्यवादी संत नीम करौली बाबा की स्थली होने के कारण ये स्थल आध्यात्मिक मान्यता का भी केंद्र बिंदु रहा है। 15 जून को कैची धाम के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन भी यहां पर किया जाता है, जिसमें करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन को मंदिर के लिए आते हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा विदेशी भक्त यहां पर पहुंचते हैं और कहा जाता है कि यहां जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है वो कभी हाथ नहीं लौटता। तो उसकी झोली में एक दिन खुशियां जरूर आती हैं, इसलिए यहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी आते हैं। कनाडा, यूएस, जर्मनी, फ्रांस से भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।